नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज देखिए हमारे पास ये एक एलईडी बल्ब रिपेयर होने आया है और इस बल्ब के अंदर जो ये कमी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए जब हम इसको यहाँ पर लाइट में लगाते हैं तो इसके अंदर देखिए जो एलईडी लाइट है वो हल्की हल्की ब्लिंक हो रही है और जब हम यहाँ पर शॉर्टिंग करके देखते हैं चिमटी की मदद से तो ये देखिए यहाँ पर ही ग्लो हो गया, यानी कि ये वाला जो एलईडी है ख़राब है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये वाला एलईडी इतना जल्दी इसके अंदर ख़राब क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये किसी भाई ने रिपेयर करा था और रिपेयर के दौरान क्या हुआ कि उन्होंने ये किसी चीज़ से इसको नहीं चिपकाया। देखिए यहाँ पर ये देखा पूरा पीसीबी जो है हिल रहा है और ये हिलने के कारण ही ख़राब हुआ है। अगर ये इस तरीके से हीट सिंक पर पूरा चिपका हुआ रहता तो ये ख़राब जल्दी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हीटिंग इसके अंदर जो है इशू जो हीटिंग इसका जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर सही नहीं था। यानी कि ये देखिए ये इस तरीके से अगर ये अप डाउन कर रहा है ऊपर नीचे तो ये एलईडी हमारा ज़्यादा दिन चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है जब एलईडी चल रहा है ये हीटिंग हो रहा है तो यहाँ पर जो हीट सिंक होता है वो इसलिए होता है कि जी इसको जो जल्दी से ठंडा कर सके, लेकिन जब ये यहाँ से शॉर्ट ही नहीं है तो ये हीटिंग को जो ठंडा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम और इस पीसीबी को तो हम हटा देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इस पीसीबी के अंदर जो है स्क्रू दिया गया है लेकिन यहाँ पर कोई भी स्क्रू नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एलफी लगाया हुआ था हल्का सा लेकिन वो काम नहीं करा सही से। अब यहाँ पर हम एक नया एमसी पीसीबी लेंगे, ये देखिए 9 वाट का एमसी पीसीबी है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर एलईडी बल्ब है वो 10 वाट का है तो 10 वाट और 9 वाट में दोनों एमसी पीसीबी सेम चल जाएगा। और यहाँ पर अब हम पहले एमसी पीसीबी को जो है सोल्डिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस एम सी पी सी बी को इसको यहाँ पर प्रॉपर फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ता है सिलिकॉन, ये जो सिलिकॉन पेस्ट होता है हमारा जो रबड़ के अंदर होता है, ये क्या काम करता है कि जिस हीट सिंक के अंदर स्क्रू नहीं होते लगे हुए वहाँ पर ये वाला पेस्ट यूज होता है। तो इसको जो है हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये काम कैसे करता है, ये जैसे ही हीट होगा तो हीट होने पर ये जो हमारी जो एम सी पी सी बी है उसको सही तरीके से चिपका लेगा। तो इसको हम यहाँ पर अच्छी तरीके से लगाते हैं जो हमारा पूरा जो एलईडी है वो हमारा जो है चिपक जाए। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये ग्लू है पूरा लग चुका है और ये देखिए अब ये जो हमारा सिलिकॉन है पूरी तरीके से लग चुका है। अब ये क्या होगा कि बल्ब जब हमारा थोड़ा सा चलने के बाद हीटिंग होगा तो हीटिंग होने पे ये एमसीपी ये जो हमारा एमसीपी सी भी है पूरी तरीके से इस पर चिपक जाएगा। अब ये देखिए प्रॉपर इस पर चिपका हुआ है। तो लंबे समय तक के चलाने के लिए ये हमेशा याद रखें कि हमारा जो एलईडी है वो प्रॉपर तरीके से इस पर चिपका हुआ होना चाहिए। अब ये सिलिकॉन जो है कुछ दिन बाद रबड़ पेस्ट में बदल जाएगा और ये जो इस एलईडी को जो है अच्छी तरीके से अपने ऊपर हीट सिंक पर चिपका लेगा। अब यहाँ पर जो है मैं इसकी जो वायरिंग कर देते हैं, तो वायरिंग करने के लिए इसका प्लस माइनस देखना होगा। तो ये तो हो गया, तो ये हीटिंग ज़्यादा होगा और हीटिंग अगर ज़्यादा होगा तो ये एलईडी बल्ब हमारा जल्दी से ख़राब नहीं होगा। ये हीट सिंक पेस्ट जो है इसको इस तरीके से सही तरीके से चिपका देंगे। अब इसको जला के देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा जो बोर्ड चालू नहीं है, मैं बोर्ड चालू कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो एलईडी बल्ब है वो बढ़िया तरीके से सही हो गया और कुछ देर बाद जब ये हीट होगा तो ये जो हीट सिंक पेस्ट है इस पे ये जो एलईडी है हमारा प्रॉपर तरीके से चिपक जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन को ज़रूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।